बीजेपी ने मुसलमानों को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकते हुए हिंदुवादी होने का ऐलान कर दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को आरक्षण भी नहीं देना चाहते। गिरिडीह में चुनावी सभा के दौरान हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिएगा। भाइयों बहनों, ये घुसपैठियों के लिए, ये घुसपैठियों के लिए हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं। और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आरक्षण भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का? मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मनसा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। मतलब साफ है कि बीजेपी को अब मुसलमानों से ना तो वोट की लालच है और ना ही सपोर्ट की कोई उम्मीद। अमित शाह की सुने तो झारखंड में सत्ता की राह तलाशती बीजेपी ने अब हिंदुवादी कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि ये कार्ड चल गया तो दूसरे चरण के चुनाव उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। नमस्कार।